प्यारे बच्चों, तो आज मैं दसवीं कक्षा में दूसरा पाठ है ना काश्मीर से पाठ पढ़ाती हूँ। सबके पास किताब है ना। लेखक का परिचय मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म है 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लमाही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था धनपद राय था। प्रेमचंद जी का जन्म है 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लमाही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था धनपति राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। वे शिक्षा क्षेत्र में भी काम किए थे। बचपन से ही प्रेमचंद जी मातृ प्रेम से वंचित थे। प्रेमचंद जी ने मातृ प्रेम से वंचित रहते बचपन पे। इनका जीवन गरीब में ही था। प्रेमचंद जी का जीवन बहुत गरीब थे। उन्होंने वे मैट्रिक तक पढ़ पाए थे। वे यथार्थवादी के कथाकार भी थे। वे मैट्रिक का मतलब SSLC पढ़ पाए थे। यथार्थवादी के कथाकार भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेव साधना, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। इनकी प्रमुख उपन्यास भी लिखे हैं। बड़े घर की बेटी, नामघा, दोघर, पंच परमेश्वरा, पूस की रात आदि इनके प्रसिद्ध कहानियाँ भी लिखे हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी ने बहुत सारे कहानियाँ, उपन्यास भी लिखे हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध कथाकार भी थे। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानस सरोवर नाम से संकलित है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानस सरोवर नाम से बहुत प्रसिद्ध है इस कहानी। और इस पाठ के अंतर्गत हम चार पर लिखे हैं लेखक का परिचय। लेखक का नाम है श्री प्रेमचंद। जन्म 31 जुलाई 1880। वास्तविक नाम है धनपत राय। प्रमुख रचनाएं गोदान, सेव साधना, भवन, निर्मल, कर्म भूमि आदि। कहानियाँ बड़े घर की बेटी नाम का बुरा गए। उसके बाद शब्द भी लिखे हैं हम। नजर दृष्टि, नजर दृष्टि, नीम पौधे, नीम का फल, स्वाद रुचि, रोंडा छोकरा, मोल भाव मूल्य, तराजू तोलने का साधन, सका लेना देना। इस तरह शाम पट कर हम शब्द लिखे हैं। इसके बाद पट का आशय और ध्यान देना बच्चों। इस कहानी में बाजार में लोग के साथ होने वाले धोखाबाजी पर प्रकाश डाल गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस पाठ के अंतर्गत एक बार क्या किए है लेखक ने, बाजार को जाते हैं। बाजार को जाने के वक्त लोग किस तरह हमको धोखाबाजी करते हैं उसका अनुभव इस पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम लोग खरीदारी करते समय सावधानी का मतलब एचरवागी इरबेको जोर दिया गया है। इस पाठ के अंतर्गत हम क्या सीख पाए हैं, इस तरह दुकानदारों में हमको क्या करते हैं, धोखाबाजी कर सकते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 चीज जरूरी चीजें खरीदने गए थे। पंजाबी मेवा फरोश की दुकान रस्ते में ही पड़ती है। एक बार लेखक ने क्या कर दिया था, शाम का वक्त था, वे चौक में चौक का मतलब सर्कल और मूर्व वस्तुगन खरीदी मान्ल के लेखक होगी। पंजाबी मेवा फरोश की दुकान रस्ते में ही पड़े थे। मेवा फरोश का मतलब सेब बेचने वाला था। दुकान रस्ते में ही पड़ती थी। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे आए थे। रंगदार गुलाबी सेब नजर आए थे। दुकानदार ने क्या किया था, सेब को एक सेब पर एक रख कर क्या किया था,
सजीव हुए थे। सजीव का मतलब सिंगार बना मारिद्रो। लेखक को लालच हुआ था आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में क्या हो रहा है, चर्चा कर रहे हैं। लेखक को क्या होने लगा था, उस रंगदारी गुलाब सेब को देखकर बहुत लालच उठा था। सेब कैसे थे, सेब बहुत रंगदार और गुलाब सेब थे। शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्द के विचार कर विचार करने की प्रवृत्तियाँ हो रही है। देखो आजकल हम शिक्षित समाज में क्या कर रहे हैं, किस विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं, प्रोटीन और विटामिन के बारे में हम चर्चा करते हैं। दो अंक के प्रश्न आते हैं बच्चों उस पर परीक्षा दृष्टि से। आजकल शिक्षित समाज में किस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, पहले देखो टोमेटो को कोई भी नहीं पूछते थे, तो आजकल हम टोमेटो भोजन का अवश्य अंग बन गया है, आवश्यक अंग। अभी देखो भोजन करने का समय में हम क्या करते हैं, टोमेटो डालकर हम खाना पकवाते हैं, वो खाना पकाते हैं तो स्वादिष्ट हो जाता है। उसी तरह टोमेटो भोजन का अंग आवश्यक बन गया है। गजरा में भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी, गजरा गजरी कूड़ा बड़ा बड़े तुम्बुआ वस्तु आगे। तो कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, दो अंक का प्रश्न आते हैं बच्चों। पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा भी खाते हैं। अमीर का मतलब श्रीमंत लोग हलवा मारे और सेवन मारते, इसलिए गजरा को भी मेज पर स्थान मिलना लगा है। गजरे कूड़ा मेज सीखे। सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाने लगा कि एक सेब रोज खाए तो डॉक्टर से दूर रहते हैं। अभी देखो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारा तबीयत देख कर उन्होंने बोल सकते हैं दिन रोज क्या खाना है, दिन रोज एक सेब खाना है। दिन रोज एक सेब खाने से डॉक्टर से हम दूर रहते हैं। दूर विलोम शब्द क्या है, पास आता है। और उसके बाद अमीर, अमीर का विलोम शब्द गरीब है। और एक सेब रोज खाए तो आपके डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोड़ी तक खाने का तैयार हो सकते हैं। अभी हमको डॉक्टर लोग बोलते हैं, अभी देखो इस दुनिया में बीपी शुगर क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा होने के बाद वो बोलते हैं नीम की अभी फल खाएं, और उसके बाद हम नीम के पत्ते भी खा सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है, सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है। आम से बढ़कर नहीं, आम बहुत स्वाद और अभी देखो हम जूस पीते हैं मैंगो, आम का मतलब मैंगो। अभी अचार बनाते हैं, अभी हम जूस पीते हैं, उसी तरह स्वाद में आम से बढ़कर सेब नहीं है। सेब का स्थान मिला चुका है, अब वहाँ केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें बहुत सारे गुण भी हो सकते हैं। बच्चों हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब सेब मांगे थे। प्रेमचंद जी ने दुकानदार से बोल रहा है मुझे आधा सेब सेब दीजिए। दुकानदार ने कहा, कहने लगा दुकानदार ने, बाबा जी बड़े मजेदार सेब आए हैं, ಮಜೇದಾರ ಭಾಳ ತಾಜಾ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಖಾಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೆ ಸೇಬ್ ಹೇ ಆಪ್ ಲೇ ಜಾಯಿ ಖಾಕರ್ ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ। ಆಪ್ಕಾ ಯೇ ಸೇಬ್ ಖಾಕರ್ ತಬಿಯತ್, ತಬಿಯತ್ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ। ಇಸ್ ತರಹ ದುಕಾನದಾರ ನೇ लेखक को बता रहा है। मैंने रुमाल लिखा कर उसे देते हुए कहा था। अभी पुराने जमाने में क्या प्लास्टिक के कवर नहीं थे, उसके बाद उन्होंने हैंड कर्चिप को
दिया था उसके हाथ में, वहाँ कहने लगे थे क्या करना है, चुन चुन कर लाना है, चुन का मतलब आए के माने अर्थ के जिसे वो नन्ना पड़े अंदर में बिटो लेट करो अगले वाले के लिए मातना हेले लो। दुकानदार ने तराजू उठाया और अपने नौकर से बोला, सुनो आधा सेर कश्मीर सेब निकाला था, चुन कर लाना है। दुकानदार ने तराजू, तराजू का मतलब तकड़े, उठाया और अपने नौकर से बोला, सुनो आधा सेर कश्मीर के सेब निकाला ला, वे चुन कर लाना है। और रोना चार सेब लाया था, दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांध कर मुझे दे दिया था। अभी उस आधा सेर सेब में चार आए थे, उसमें क्या कर दिया था दुकानदार ने, लिफाफे में रखा था और रुमाल में बांध कर लेखक को दिया था, बांध कर मुझे दे दिया था, मैंने चार आने उसको हाथ में रखा था। लेखक ने क्या किया था, चार आने नाको आने ना अंगड़ी मालिक ने पट्टा। घर में आकर लिफाफा जो रखा त्यों रखा दिया था, जो का तो अभी दुकान से आया था लेखक, अभी क्या किया था लिफाफे कैसा था वैसा रख दिया था। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं था, रात दूसरा फल खाने का फायदा नहीं था, इस तरह लेखक ने कह रहा है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल में खाना चाहिए, फल खाने का समय प्रातःकाल में सुबह नाश्ता करने के बाद फल खाना है सुबह। आज सुबह का मुहा हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला था, लेखक ने हाथ धोकर धोने के बाद नाश्ता किया था, नाश्ता किया के बाद उन्होंने क्या किया था, लिफाफे में आधा सेब था उसमें एक निकाला था तो सड़ा हुआ था, एक रुपाई आकार में छिलक गया था। देखो हम शाम पर पढ़ लिखे हैं, आधा सेब में चार आए थे, पहला सेब उसमें क्या किया था एक रुपाई आकार छिलक गया था, और दूसरा सेब क्या गया था आधा सड़ा हुआ था, और तीसरा सेब एक से एक लाकर तो क्या हो गया था पिचक गया था, और चौथा सेब पूरा अच्छा था उसमें एक काला सुरख था मगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, तीसरा सेब निकाला था यहाँ सड़ा तो नहीं था मगर एक तरफ क्या हो गया था दबकर बिल्कुल पिचक गया था, एक से एक लगाकर क्या हो गया था बिल्कुल पिचक गया था, चौथा देखा तो भेदक मगर उसमें एक काला सुरख था, वो काला सुरख था जैसे अक्सर बेरों में रहते थे और काट तो भीतर वैसा ही दबे थे, बेरों का मतलब बेरों में रहते थे काट तो भीतर वैसे ही दबे थे जैसे बेर में रहते थे, एक सेब भी खाने के लिए लायक नहीं था, भीतर विलोम सुधाता है अंदर, और उसमें एक चार सेब भी खाने के लिए लायक नहीं थे। इस पाठ के अंतर्गत कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, दो अंक का प्रश्न आते हैं बच्चों। चार आने पैसे को इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का, दुकानदार ने जान बुझा कर मेरे साथ क्या किया था, धोखाबाजी का व्यवहार किया था, एक सेब सड़ा हो तो था, अभी पूरा आधा सेब सेब में एक तो सड़ा हुआ तो अभी क्या करता था लेखक ने नहीं सोचते थे, उन्होंने चार सेब में क्या हो गया चार ही चार पूरा खराब हो गया था। अभी दुकानदार ने क्या किया था लेखक को फ्रॉड का काम किया था, धोखाबाजी, और उसके क्षमा के योग्य समझा था, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी मगर चारों के चारों क्या हो गए थे खराब हो गए थे, चारों से चारों सेब क्या हो गए थे पूरा सा पूरा खराब हो गए थे, उसमें
एक भी खाने के लिए लायक नहीं था। तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देने मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा मिली थी। उसने बात दिया कि वहाँ महाशय अपने हाथों से काम लेने वाले जीव नहीं था। दुकानदार ने क्या किया था, लेखक को धोखा दिया था। लेखक के साथ दुकानदार ने इस तरह दुकान दिया था। उसने बाप लिया है कि बाप का मतलब पहचानना। महाशय अपनी आंखों से काम देने वाले जीव नहीं है और ना इसे चौकास की है। घर से लौट आने आया था। आदमी बेईमानी तभी करता है, किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो अभी हमारा काम होता है तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कुछ पैसे देना चाहिए। उसी तरह बेईमानी अवसर देना है, चाहे वहाँ अपने ढीलेपन से ही या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है। ढीलेपन यूजलेस, बेईमानी से सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबू हैं, किसी भी कर्मचारी हो और कचेरी में जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी उसकी ऐसी दुर्गंधित होगी कि आप बड़े से बड़ी हानि उठा कर भी उधर ना जाएगा। अब लेखक प्रेमचंद जी को क्या होने लगा है, आपकी छोटी आयु में बचपन में किस तरह का अनुभव हुआ उसके बारे में इस पाठ में रख दिए हैं। पहले ऐसे नहीं था, व्यापारियों की सखा बने हुआ था, पहले ऐसे नहीं था, बदल गए ये रीति गिरला। व्यापारियों की सखा बने हुआ था, तोल में चाहे चटाक आधा चटाक कस ले, लेकिन आप अपने पाँच की जगह भोले से 10 के नोट दे पाते हैं। किसी भी वस्तु हम चीज लेते हैं तो क्या करते हैं, पाव चटाक आधा चटाक उसकी जगह पर क्या किए थे, और पाँच की जगह से 10 रुपया नोट हम ले सकते हैं। आपके घबराने की कोई जरूरत नहीं था, आपके रुपये सुरक्षित थे। और उसके बाद मुझे याद है एक बार मैंने मोहर्रम के भीड़ में एक दुकानदार से आकर 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। एक बार मोहर्रम का जुलासा होने लगा था। लेखक ने क्या करा, एक दुकानदार के पास जाकर 1 पैसे की रेवड़ियाँ का मतलब मिठाई। रेवड़ी एक वचन शब्द है, बहुवचन रेवड़ियाँ होती है। और पैसे की जगह से अटने दिया था। लेखक ने क्या कर लिया था, मिठाई लेकर उसके पास अटने का मतलब 50 पैसे दिए थे। और घर में आकर जब अपनी भूल मालूम हो गए थे, लेखक ने घर आया था, उसके बाद उसकी भूल समझ में आई थी। मालूम हुए तो दुकानदार के पास दौड़ पड़े थे। लेखक ने क्या किया था, दुकानदार के पास दौड़ भाग लेकर आए थे। आशा नहीं थी कि वहाँ अटनी लौट आएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अटनी लौट दिया था। रेवड़ियाँ बेचने वाला क्या कर दिया था, लेखक को बड़ी प्रसन्नता से अटनी लौटेगा, पर उसने प्रसन्नता से अटनी लौट दिए थे। उल्टे समझे क्षमा मांगी है। और यहाँ काश्मीर के सेब से नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं। देखो बच्चों, काश्मीर सेब के नाम पर क्या कर रहा है, दुकानदार ने सड़े हुए सेब बाजार में बेच रहा है। मुझे आशा है पटक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिए,
बाजार में जाने के वक्त हम लोग क्या करना चाहिए, आंखें ना बांध कर ना नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें भी कश्मीर सेब के जैसे मिलेंगे। अभी देखो कश्मीर जैसे कश्मीर सेब कैसे सड़क में ना वैसे ही सेब हमको मिलते हैं। इस तरह लेखक का अनुभव इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। इस पाठ के अंतर्गत हमने मालूम होना मालूम चाहता है कि हम बाजार जाने के वक्त क्या करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और सावधानी से भरना चाहिए। अभी दो अंक के प्रश्न भी आते हैं बच्चों इस पाठ के अंतर्गत। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा था और दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा था, सेब की हालत के बारे में देखिए। ये क्या सेब है ना, सेब की हालत के बारे में दो अंक का प्रश्न आते हैं बच्चों। और उसके बाद जोड़ कर लिखिए विलोम शब्दार्थ, शाम सुबह, खरीदना बेचना, बहुत कम, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक, गरीब अमीर, रात रात दिन, संदेह निस्संदेह, साफ गंदगी, बेईमानी, ईमानदार, विश्वास अविश्वास, सहयोग असहयोग, हानि लाभ, पास दूर, गांव खुशी। इस तरह विलोम शब्द भी आते हैं। उसके बाद क्या आए हैं, अनुरूपता। अनुरूपता में केला का रंग है पीला रंग होता है, सेब का रंग लाल है, सेब फल है, गजरा सब्जी है। परीक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न भी आ सकते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए, सेब फल है, गजरा सब्जी है। और नागपुर संतर है, कश्मीर सेब है। कपड़ा नापना है, टोमेटो क्या करते हैं तोलना है। अभी अन्य वचन भी इस पाठ के अंतर्गत आए हैं, चीज चीजें, रास्ता रास्ते, फल फल, घर घर, रुपये रुपया, आँख आँखें, कर्मचारी कर्मचारियाँ, रेवड़ी रेवड़ियाँ, दुकान दुकाने। इस तरह इस पाठ के अंतर्गत कन्नड़ में अनुवाद कीजिए भी आए हैं बच्चों। गजरा भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं। गजरे बदल बारे के बड़वर हटे तो हुआ वस्तु आई तो। दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं, अंगड़ियों ने इतने तुम्बा ताजा इरवंता उन्नो बंदिदे। एक सेब भी खाने के लायक नहीं था, एक सेब भी खाने के लिए लायक नहीं था। दुकानदार ने मुझे से क्षमा मांगी थी, अंगड़े उन्होंने निरीक्षणी नो खेलदा। इस तरह दो अंक वाले प्रश्न और तीन अंक वाले प्रश्न विलोम शब्द ये सब पढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद एक अंक वाले प्रश्न, लेखक जी ने क्या खरीदने के लिए गए थे। लेखक जी ने क्या खरीदने के लिए गए थे बोलते हैं ना, लेखक ने क्या खरीदने के लिए गए थे, चीजें खरीदने के लिए गए थे। और लेखक को क्या नजर आए थे, लेखक को क्या नजर आए थे, रंगदार गुलाब सेब नजर आए थे। लेखक को क्या लालच छूटा था, लेखक को रंगदार गुलाब सेब देखकर लालच उठा था। और टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है, टोमेटो भोजन का अंग बन गया है। और स्वाद में सेब इससे बढ़कर नहीं है, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। इस तरह एक अंक वाले प्रश्न आए गए हैं बच्चों। अभी देखो गृह कार्य में क्या करना है, ये सब एक अंक वाले प्रश्न, दो अंक वाले प्रश्न एक बार प्रश्न लिख कर 10-10 बार लिख कर आना है। और उसके बाद प्रेमचंद जी का अनुभव के साथ इस तरह इस पाठ में रख दिए हैं। लेखक अपने अनुभव को बता
बताते हैं इस पाठ के अंतर्गत। अभी हम देखो इस दुनिया में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं तो अभी हम क्या करना चाहिए, सावधानी से बरतने की आवश्यकता होती है बच्चों।